अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल तौसीफ़ अहमद वर्ल्ड। आज नई एक वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। और आज मैं गुड़ बना रहे हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर आया हूँ और आपको दिखाते हैं गुड़ बनाने का प्रोसेस और कैसे गुड़ बनता है। साथ रहिएगा। और ब्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि मेरा YouTube चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और Facebook पेज जो है वो फॉलो भी कीजिएगा। आए जी, आपको दिखाते हैं कि जो गन्ना है उससे गुड़ कैसे बनाया जाता है और एक कंप्लीट रिव्यू लेते हैं। और भाई साहब से भी पूछेंगे कि असली गुड़ और नकली गुड़ की क्या पहचान होती है। ये केन जो है जी, ये भरने वाला है। अब जब ये भर जाएगा तो इसको लेके जाएंगे उधर कढ़ाई के पास और उधर वो ड्रम में डाल देंगे और वहाँ पर गर्म होता रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये डब्बा भर चुका है और इसको निकाल लिया है और उसकी जगह पे दूसरा खाली डब्बा जो है वो दोबारा लगा दिया गया है। ये भर रहा है, अब इसको लेके जा रहे हैं यहाँ से और ये चला जाएगा कढ़ाई के पास। ये एक कढ़ाया चल रहा है और ये गुड़ निकला हुआ है। उस तरफ से दिखाता हूँ मैं। ये केन जो है आके इस ड्रम में डाल दिया जाता है और इस ड्रम में इसलिए डाला जाता है कि ये रस जो है गन्ने का ये गर्म होता रहे और जब ये कढ़ाया खाली हो जाएगा तो इसमें दोबारा यहाँ से निकाल के इसमें डाल लिया जाएगा। इससे टाइम की बचत हो जाती है और दूसरा ये कि वैसे जो है एक पत जो है इसकी गुड़ की उसका टाइम लगता है तकरीबन पहली का एक घंटा, फिर तकरीबन 45 मिनट में एक पत जो है वो तैयार होती है। और एक कढ़ाई के अंदर तकरीबन 5 ये गैलन देख रहे हैं आप, ये डाले जाते हैं रस के। और तकरीबन ये 16 किलो का है तो 80 किलो रस जो है गन्ने का वो इसमें आता है कढ़ाई में। और 80 किलो रस में से तकरीबन 12 किलो गुड़ जो है वो बेहतरीन जो है वो तैयार होता है। और वो देख सकते हैं उस तरफ वो निकाल भी रहे हैं, वो मैं बाद में दिखाता हूँ आपको। ये तैयार होने वाला है गुड़ और ये तकरीबन अब आखिरी मराहल में है। ये यहाँ से आग दी जाती है। ये सरसों का तेल डाला जा रहा है इसमें। अच्छा, ये तेल किस लिए डाला जाता है? टेस्ट के लिए। ये तेल जो है टेस्ट के लिए डाला जाता है और इसकी सफाई के लिए इसमें कास्बान इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ कास्बान। ये जो है अब तैयार होने वाला है। पैसा ना दे, फायदा पैसा ना दे, लगते कौन मलगा।
हाथ खिला आएगा हमारा। अच्छा तो फिर ये जी अब तैयार है, इसको इसमें डाल रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं और यहाँ पर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये नया रस डाला जा रहा है इसमें दोबारा, और नया गुड़ तैयार करने के लिए इसको अब ठंडा होने के लिए छोड़ दिया गया है। ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो फिर जो है इससे उनकी पेस्टियाँ जो हैं वो बनाई जाएंगी। और प्रति चरा है कती थी किए बैठे बोल अब बस कर रहे घुमा ले चांडिया वहां से गोर बगर यार गोर हल प्रति परोसी तो मैंने गुण काटो नहीं तो यार देखो अच्छी है वहाँ पे वो एक और बगल में जिसको दे सब तो करा ये नहीं जाएगा तू तो जा ना तू तो जा ये इसकी मैल निकाल रहे हैं अब छोटी ये ऊपर मैल आ जाती है तो इसकी जो मैल जो है वो उस छाने से जो है वो निकाली जाती है और इसको पकाया जाता है। ये देखे ये गई वापस ठंडा हो चुका है और अब जो है वो पेसी बनाना का शुरू हो चुका है। ये देखे यार फते
बच्चों को ना तू हाँ नहीं मैं खोपड़ी कर लो छोड़ो तो बाबू बैठो इधर यार हाँ सही थी ना कैसे बाबा लेते हैं वीडियो में नहीं बच्चा पुता रहा है आपको तो लेते नहीं अस्सलामुअलैकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल खैरियत है ठीक हो तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब कितने साल तो गुड़ बना रहे हो तुम ये असी छोटे छोटे सी प्राइमरी स्कूल जाते होंगे सी उदों तो आंदा जड़ा ना मेरे बाप दादा और मेरा चाचा गुड़ बनाते सी उन्हां तो मैं सीखा हैगा अच्छा जी सीख के खुद भी बनाया हैगा हुण आउण वालियां जड़ा ना बच्चे पीढ़ी वो भी बना रही है नाल हां ते जड़ा उन्हां नूं भी ट्रेंड कीता हैगा सही सही और कोई हारियां नूं भी ट्रेंड कीता हैगा अच्छा जी भाई साहब कि ना जो गुड़ बनाते हो तुसी एक दिन दे किन्नियां पत्तां तैयार कर दे हो ये एक दिन दे विच असी उदन ही छिलाई करी दी आ उदन ही ताज़ा ही जड़ा ना पीड़ी दा हैगा अच्छा जी ते उदे जो असी 15-16 पत्तां कढ़ी दी आंगी अच्छा मतलब के गुड़ तुहाडा किन्ना तैयार हो जांदा इहनां दे 12 तो साडा तकरीबन जोड़ा हो ही जांदा हैगा वा ते अपना 5 तो 6-7 मण ताईं जड़ा कढ़े ली ते भाई साहब इहदा असली जिहड़ा पीवर गुड आ ओह ते जिहड़ा मिक्स आ ओहदी किदां फर्क पैंदा वा पीवर हुण साडे कोल ते पीवर ही आ नहीं इह ते मैनूं पता पीवर आ मिक्स करदे हैगे आ ओह उहनां नूं पता हैगा इहदे विच की मिक्सिंग हुंदी आ ते इहदे विच ते ओह हुण जिहड़े 2 नंबरी करदे उहनां नूं पता हैगा साडे कोल बिलकुल शुक्र अलहमदुलिल्लाह खालस ते जिहड़ा ना पीवर हैगा सही ते बहुत शुक्रिया भाई साहब ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਤੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਥਾ ਅੱਜ ਕਾ ਹਮਾਰਾ ਬਲੌਗ ਗੁੜ ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ ਔਰ ਇਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਮੁਝੇ ਦੀਜੀਏ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੁਆਓਂ ਮੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏਗਾ ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ।